अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम ट्वाइस कुक चिकन बना रहे हैं। ये थाई चिकन होती है, ट्रेडिशनल थाई चिकन है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ केजी के करीब चिकन ले ली है और उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। अच्छा, उसमें देखें आप, ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है, ये डाल दूँगी मैं इसमें स्लाइस किया हुआ। और ये जो है 6 से 8 जवे जो है लहसुन के हैं, हल्का सा क्रश किया हुआ है, ये भी इसमें डाल दूँगी। अच्छा, एक बॉयल इसमें आ जाएगा चिकन में, तो उसके बाद इसे आँच हल्की करके तकरीबन जो है हमने 25 से 30 मिनट तक इसे पकाना है, ताकि जो है ना मतलब थोड़ा सा इसका इसी पानी के अंदर सिमर होके पक भी जाए हल्का सा। फिर आगे का मेथड मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देखिए 20-25 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, तो अब हम जो है ना इस चिकन को अपने इसमें से पॉट में से निकाल कर अलहदा कर लेंगे। बाकी आपका ये पीछे चिकन स्टॉक रह जाता है, इसको आप चाहें तो किसी सूप वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, देखिए हमने अपनी जो चिकन बॉईल करी थी उसके ऐसे छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। इसे हम दोबारा से रीफ्राई करेंगे, मतलब बारीक बारीक से भी अगर चंक्स कुछ होते हैं तो मतलब अच्छे से वो दोबारा जब हम फ्राई करेंगे तो उसमें वो क्रिस्पीनेस आएगी, जो मतलब उसको फ्राई करने से थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी से कैरामलाइज हो जाएंगे तो वो अच्छे लगेंगे, फ्लेवर आएगा उनका, ठीक है। तो इसे हम अभी सारे को इस तरह से कर लेंगे, मतलब अपनी चिकन को उसकी बोन से अलहदा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे रीफ्राई करेंगे। अच्छा, देखिए हमने अपनी सारी चिकन श्रेड कर ली है ऐसे चंक्स के स्टाइल में, ठीक है, बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। अगर आपको इसे ज़्यादा बड़े पसंद है तो आप ज़्यादा बड़े भी रख सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते तो मैंने ज़रा थोड़े से छोटे चंक्स बनाए हैं इसके, ठीक है। अच्छा, पूरा जो हमारा एक वो बड़ा वाला लहसुन होता है 12-15 जवों का जो होता है, मोटे मोटे बड़े वाले, वो सब मैंने जो है क्रश चॉप कर लिया है, बारीक बारीक चॉप कर लिया है। देखिए ये 2 से 3 टेबल स्पून मतलब हो जाएगा ये। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने अपनी पसंद से ली हैं, वैसे तो इसमें मतलब काली मिर्चें ही डलती हैं, हरी मिर्चें या कोई भी आप इसमें वेजिटेबल नहीं डलती है, अगर आप डालना चाहें तो टोटली आपके अपनी चॉइस के ऊपर है, आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ही मतलब पिंच ऑफ ब्लैक पेपर लिया है और 2 छोटी छोटी सी हरी मिर्चें जो होती हैं मीडियम साइज़ की, उसको लेके मैंने चॉप किया है। अच्छा, आप इसमें ब्राउन शुगर या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने अपनी नॉर्मल वाली शुगर ही 2 टेबल स्पून वो ली है। 2 टेबल स्पून जो है वोस्टरशायर सॉस है, 2 ही टेबल स्पून अपना नॉर्मल सोया सॉस है। अच्छा, डार्क सोया सॉस मैंने अपनी ले ली है, थोड़ी सी डलेगी डार्क सोया सॉस और ज़रा सा सेसमी ऑयल डलेगा, ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पैन हमने अपना कहते हैं रख लिया, वोक रख लिया अपने चूल्हे पे, और कहते हैं जैसे ही हमारा ये ऑयल गर्म हो तो हम अपने इसमें लहसुन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लहसुन को ब्राउन करेंगे। जैसे ही हमारी लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें अपनी शुगर ऐड करके इसे कैरामलाइज करेंगे। अगर आप गुड़ या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर उससे आएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने अपनी जो नॉर्मल शुगर है वही ली है। अच्छा, जैसे ही आपका लहसुन हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो तो आप इसमें शुगर ऐड कर देंगे, ठीक है, शुगर के मेल्ट होने तक हम वेट करेंगे, बल्कि नहीं मेल्ट होने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे ही मतलब ये, साथ ही हम अपनी चिकन भी ऐड कर देंगे। और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये ज़रा सी जो है ना क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाए। अच्छा, ये देखिए तकरीबन
तकरीबन इसको जो है ना आपने 5 मिनट तक फ्राई करना है चिकन को। ये देखें आपको कहीं कहीं से जो है ना ब्राउन होती हुई जिसे नज़र आ रही होगी, तो ऐसे आपने इसको फ्राई करना है। और मतलब जब थोड़ी सी देर 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर आप इसमें अपनी जो ये काली मिर्चें और ये ज़रा सी, अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते तो सिर्फ काली मिर्च ही 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। ये डाल देंगे, फिर हम इसमें अपनी सोया सॉस डाल देंगे, साथ ही अपनी बोस्टर चाय सॉस डाल देंगे, और ज़रा सी डार्क सोया सॉस डालेंगे। देखिए डार्क सोया सॉस देखें बहुत तेज, मतलब डार्क ही देखें सब कलर का चेंज हुआ। 1 टीस्पून के करीब मैंने डाली डार्क सोया सॉस, जैसे आप देख सकते हैं डार्क सोया सॉस डालने से इसका कलर कितना चेंज हुआ। थोड़ा सा हमें डार्क कलर इसका चाहिए ना, तो नॉर्मल आपकी सोया सॉस से कलर इसका इतना डार्क नहीं होता है। बस अब हमारी ये चिकन रेडी है और इसमें ज़रा सा बिल्कुल एंड में जो है ना हम अपना सेसमी ऑयल जो है हमने 1 टेबल स्पून के करीब सेसमी ऑयल डाल दिया, ठीक है। बस अब ये हमारा रेडी है, हम इसे निकाल लेंगे। चलें अब हम अपनी चिकन को जो है ना डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा, जो हम अपनी ट्वाइस कुक चिकन बना रहे हैं उसके साथ कोई भी आप फ्राइड राइस किसी भी किस्म के सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैं फ्राइड राइस नहीं बना रही, आज मैं उसके साथ मटर चावल बना रही हूँ। देखा जाए तो वो भी एक तरह से फ्राइड राइस टाइप के ही होते हैं। तो अच्छा, मटर चावल जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने 3.5 प्याली जो है ना 3.5 कप 3.5 कप जो है चावल ले लिए हैं, ये भिगोए हुए हैं 1/2 घंटे पहले से। अच्छा, ये 2 से 2.5 कप के करीब जो है हमारे जो है मटर हैं, फ्रोज़न मटर मेरे पास रखे थे वही मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन ले लिया है और 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है अदरक है चॉप की हुई है, दोनों बारीक बारीक चॉप करी हुई है। 1 कप के करीब प्याज है स्लाइस किए हुए हैं। अच्छा, मसाले जो इसमें जाएंगे 3.5 चमचे जो हैं 3.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, और ये बहुत ज़रा सा गरम मसाला है, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी छोटी सी 2 स्टिक्स इसकी हैं दालचीनी की हैं, 8-10 दाने काली मिर्चों के हैं और 4-5 जो हैं ये हमारे लौंगे हैं। अच्छा, अपने मटर चावल बनाने के लिए हमने अपना पैन रख दिया चूल्हे पे, और तकरीबन जो है ना 1/2 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। ये ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो तो हम अपनी प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्की सी गुलाबी से थोड़ी सी ज़रा सी ज़्यादा, कहीं कहीं से हल्की सी, मतलब जैसे ही ब्राउन होना स्टार्ट होगी तो हम इसमें जो है अपनी दूसरी चीज़ ऐड कर देंगे। अच्छा, ये देखें, ये हमने जो है ना अपने मटर डालने के बाद 4-5 मिनट हो गए, इसको 4-5 मिनट तक अच्छे से जो है ना इसको हमने इसमें फ्राई करना है। अच्छा, इससे पहले जो मतलब चीज़ें सारी डालते हुए वीडियो बनी थी, मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी, वो वीडियो नहीं बनी। तो अब मैं आपको दोबारा से इसमें बता रही हूँ कि प्याज जैसे ही हमारी हल्की हल्की सी साइडों में से ब्राउन होना शुरू हुई थी तो हमने अपना अदरक लहसुन इसके अंदर डाल दिया था। अदरक लहसुन डाल के उसको बिल्कुल 2-3 सेकेंड के लिए उसको फ्राई किया था। जैसे ही वो ज़रा सा फ्राई हुआ तो फिर हमने उसमें अपना जो हमारे मसाले थे नमक जीरा और ज़रा सा जो हमारा थोड़ा सा गरम मसाला था वो हमने उसमें डाल दिया। अब देखें ये कितनी अच्छी, उसी फ़ौरन बाद जो ना मटर हमने डाल दिए थे। अब मेरे ख्याल से 4-5 मिनट हो गए फ्राई होते हुए मटरों को मेरे। अब देखें बहुत अच्छी तरह से मतलब मटर फ्राई हो चुके हैं, ये ब्रस्ट भी होने लगे हैं, और प्याज ज़्यादा इसलिए फ्राई नहीं करी थी हमने उसमें। देखें अब ये मटर फ्राई होते होते हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन और हो गई है। तो बस अब हम इसमें अपने इस वक्त जो है ना हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे। 3.5 प्याली मैंने लिए थे तो मैं इसमें तकरीबन जो है 4 कप के करीब पानी डालूंगी। अच्छा, 3 कप तो मैंने यही वाला पानी नॉर्मल पानी डाल दिया है। 1 कप हम अपना थोड़ा सा जो हमने चिकन बनाई थी उसका जो स्टॉक था थोड़ा सा हम वो ऐड करेंगे।
ठीक है। तो बस अब हम इसको थोड़ी सी देर और एक दो मिनट के लिए छोड़ेंगे, जितनी देर में हमारे मटर प्रॉपर गल जाएं, क्योंकि आपको पता है कभी कभी मटर भी, और अगर आपके अच्छे मटर हैं फौरन ही गल गए हैं तो आप पानी बॉयल होते ही, वैसे ये वाले मटर भी गल ही गए, मतलब इतने अच्छे से हमने फ्राई किए हैं कि मटर गल गए। अब जैसे ही हमारा पानी बॉयल होगा हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। अच्छा ये देखिए हमारा पानी बॉयल हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। अच्छा ये देखें हमने ना यहाँ से उबलने में थोड़ा सा पानी सूख गया है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे हम इस वक्त। अब इसको ढक देंगे, जैसे हमारा मतलब थोड़ी सी देर इसके अंदर बॉयल आ जाए, पक जाए और दम्पर होने लगेगा तो फिर इसे दम्पर लगा देंगे। अच्छा ये देखिए ये हो गए हमारे चावल, देखिए तकरीबन ड्राई हमारे हो गए। बस अब हम इसको जो है ना 5 मिनट भी नहीं पकेंगे, तकरीबन ड्राई हो गए, बस अब इसे दम पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखिए वो चिकन जो मैंने बनाई थी वो तो मतलब कंप्लीट हो गई है, डन हो गई है, वो बिल्कुल ऐसे ही बनती है, सिर्फ रोस्टेड टाइप की चिकन जैसी होती है। अब हम क्योंकि चावलों के साथ खा रहे हैं, अगर आप ऐसे ही बिल्कुल ड्राई खाना पसंद करते हैं तो ठीक है, आप उसे ऐसे ही मतलब यूज़ कर सकते हैं किसी भी किस्म के फ्राइड राइस के साथ, ठीक है। मैंने मटर चावल बनाए उसके साथ, लेकिन अब अगर किसी को थोड़ी सी ग्रेवी की ज़रूरत है तो आप उसके साथ थोड़ा सा एक सॉस बना सकते हैं। ये वही वाला चिकन स्टॉक जो हमने बनाया था वो मतलब थोड़ा सा तो हमने अपने मटर चावलों में डाल दिया था, बाकी जो बचा हुआ है या जो भी आपके पास बचा हुआ अगर आप बनाना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। इसमें मैंने अपना 2 टेबलस्पून के करीब जो है कॉर्नफ्लावर डाल दिया था, ठीक है। और अब इसमें सीजनिंग्स हम डाल देते हैं, वो जो हमने अदरक लहसुन इसके अंदर डाला था स्टॉक में उसको ही बारीक बारीक चॉप करके वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून रेड चिली डाल देंगे हम इसके अंदर, ठीक है। अच्छा देखिए हमने 1 टीस्पून जो अपनी रेड चिली डाल दी थी, अब इसमें हम थोड़ा सा जो है फ्रेश गार्लिक जो है ना ये भी 1 टीस्पून के करीब होगी, 3-4 जवे थे मीडियम साइज़ के वो मैंने चॉप किए हुए थे, जो हमने पहले बॉयल करते हुए डाला था चिकन में लहसुन और अदरक उसको भी बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया था, ठीक है। 1 टीस्पून हमने रेड चिली डाल दी, अब इसमें हम जो है 2 टेबलस्पून जो है ना चिली सॉस डाल देंगे, 2 ही टेबलस्पून के करीब सिरका चला जाएगा इसमें, ठीक है। अब जरा सा हम इसमें थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे तो ये हमारी एक चाइनीज टाइप की सॉस सी बन जाएगी, थाई सॉस कह लें या चाइनीज सॉस कह लें। थोड़ा सा हम इसमें सिरका ऐड करेंगे और नमक हम डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट करके देखते हैं इसमें नमक की कितनी जरूरत है, इसमें 1 टीस्पून के करीब जो है इसमें नमक चला जाएगा, ठीक है। बस अब ये आपकी सॉस डन है, अब आप इसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए हमने अपनी ट्वाइस कुक जो है ना चिकन थाई चिकन निकाल ली है, मतलब ये ओरिजिनल रेसिपी ऐसी ही है। अगर आप इसमें कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो जिस वक्त आप अपनी चिकन को अच्छे से कुक कर रहे होते हैं, दोबारा रीफ्राई कर रहे होते हैं उसको, तो उस वक्त आप अपनी मर्जी की जो भी आपको वेजिटेबल इसमें ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। इसमें ओरिजिनली इस चिकन के अंदर कोई सॉस या कुछ नहीं होती है, हल्की हल्की सी क्रिस्पी सी थोड़ी सी मतलब ऐसे ही मतलब फ्लेवरफुल सी चिकन होती है। इसके साथ आप किसी भी किस्म के फ्राइड राइस सर्व कर सकते हैं, हमने मटर चावल बनाए थे तो हम मटर चावल सर्व कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। ये देखिए मटर चावल हैं हमारे, और अगर आपके घर वाले मतलब ज़रूरी मतलब इन चीज़ों के साथ कोई चावल के साथ या मतलब चिकन वगैरह के साथ उन्हें कोई सॉसी चीज़ चाहिए है तो मैंने एक सॉस भी आपको बता दी थी, क्योंकि मेरे घर वालों की रिक्वायरमेंट होती है, उनको सॉस ज़रूर चाहिए होती है तो मैंने एक अलहदा से सॉस बना दी थी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप बना सकते हैं, और अगर आपको नहीं बनानी मतलब नहीं रिक्वायरमेंट है तो आप खाली
फ्राइड राइस और ये चिकन भी सर्व कर सकते हैं। वो वैसे ही इतनी फ्लेवरफुल है कि उसके साथ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की रेसिपीज है ये, ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।